हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर नंबर 1, हमारी इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक क्लास 10th से है। ठीक है, अब अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। एक इस चैप्टर में सर्जरी हुई है, एक ऑपरेशन हुआ है, और इस ऑपरेशन में डॉक्टर कैसे सफल हुआ है, किसका ऑपरेशन हुआ है और क्यों ऑपरेशन करना पड़ा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप जान के चौंक जाओगे कि इस चैप्टर में सर्जरी किसकी हुई है। तो आइए लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का पढ़ते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। इसके पहले जो आपकी इंग्लिश की मेन बुक है द फर्स्ट फ्लाइट बुक, उससे मैंने चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन चैप्टर्स को अभी तक नहीं देखा है यार, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, सिंपली लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आपको हमारे चैनल की कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल का नाम / टॉपिक का नाम लिख के यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हो, हमारी वीडियो आपको टॉप पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहां पर छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। एक यहां पर एक छोटा सा कुत्ता है इस पूरे चैप्टर में जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी बहुत ज्यादा प्यार किया जाता था अपने मिस्ट्रेस, अपने मालकिन के द्वारा, और उसे बहुत ज्यादा खिलाया जाता था। ही फॉल्स सीरियसली इल, अब बहुत ज्यादा खाने की वजह से ट्रिकी बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी मालकिन को पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ता है अपने कुत्ते को दिखाने के लिए, अपने डॉग को दिखाने के लिए। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो डॉक्टर ट्रिकी का, इस जो छोटे से कुत्ते का ऑपरेशन करता है, क्या ऑपरेशन से ये कुत्ता सही हो जाता है, यही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ के हमें 3-4 क्वेश्चंस के आंसर पता करने हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिसेस पंपरे अपने डॉग ट्रिकी को लेकर इतनी ज्यादा चिंतित क्यों थी, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, उसकी जो मालकिन थी वो ट्रिकी की कैसे मदद करती हैं उसको पतला होने में, और क्या उसकी जो मालकिन है अपने कुत्ते को पतले होने में थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाती हैं कि नहीं दिखाती हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ेंगे हम कि इस पूरे स्टोरी में ये देखो आई वर्ड यूज हुआ है, ये देखो आई वर्ड यूज हुआ है, ये आई वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, ये भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब इस पूरे चैप्टर में ना तीन लोग हैं, मैं आपको बता दूं। एक है मिस्टर हैरियट, HERRIOT, ये है वेटरनरी सर्जन, है ये पशु चिकित्सक हैं जो इस चैप्टर को लिख रहे हैं। दूसरी है मिसेस पंपरे जो कि ट्रिकी की मालकिन है, जो ये कुत्ता है इसकी मालकिन है। और तीसरा करेक्टर इस चैप्टर में है ट्रिकी जो कि कुत्ता खुद है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। जो मिस्टर हैरियट है, जो ऑथर हैं, वो लिख रहे हैं। ऑथर यहां पर डॉक्टर भी है, याद रखना कुत्तों का डॉक्टर है, मतलब पशु चिकित्सक है ये जो मिस्टर हैरियट है, जो इस चैप्टर को लिख रहे हैं वो एक पशु चिकित्सक हैं। अब वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित था ट्रिकी को लेकर इस बार। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी कार रोक दी जब मैंने ट्रिकी को देखा एक सड़क पर अपनी मालकिन के साथ, ये ट्रिकी जा रहा था, तो जब मैंने देखा तो मैंने अपनी कार रोक दी। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं बहुत ज्यादा चौंक गया ट्रिकी की हालत देखकर। ट्रिकी इतना ज्यादा मोटा हो गया था कि इसकी ये हालत देखकर मैं एकदम चौंकसा गया। ही हैड बिकम यूजली फैट, ट्रिकी बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो गया था ट्रिकी।
क्लॉटेड सॉसेज का मतलब फूला हुआ, जैसे जिसमें हवा भर देते हैं ना तो बहुत ज्यादा फूल जाता है, ऐसे ही उस कुत्ते की बॉडी हो गई थी। आप देख पा रहे हो पिक्चर, एकदम ऐसे ही हो गया था ट्रिकी। इसी को कहते हैं ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब क्या होता है, यूजली फैट और फिल्ड विथ एयर, ये इसकी इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, ट्रिकी का जो चारों पैर था आप देख पा रहे हो चारों कॉर्नर से निकला हुआ था छोटा छोटा, और ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। नाउ हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, जो ट्रिकी की आंखें थी ना वो एकदम लाल थी, ब्लड शॉट थी और र्यूमी और एकदम वॉटरी थी, मतलब इसकी आंखों से एकदम पानी सा टपक रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, जो ट्रिकी है ना वो एकदम सामने घूर रहा था और इसकी जो जीभ थी लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, इसके जबड़े से लटक रही थी नीचे की तरफ। तो आई थिंक आपको ये जो फर्स्ट पैरा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड पैरा हम पढ़ेंगे, मिसेस पंपरे हैसेंट टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिसेस पंपरे इस ट्रिकी के बारे में थोड़ा सा हिचकिचा रही थी बताने में उस डॉक्टर को, लेकिन उन्होंने हिचकिचाते हुए बताया, क्या बताया, उन्होंने बताया कि ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, उन्होंने बताया कि मिस्टर हैरियट ये जो मेरा डॉग है ट्रिकी वो बहुत ज्यादा लिस्टलेस है। लिस्टलेस का मतलब जिसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रह जाती है, जो बहुत ज्यादा थका हुआ ढीला ढाला सा रहता है ना, तो ऐसा कुत्ता हो गया था इनका, ठीक है। तो वो ये चीज डॉक्टर को बताती हैं और आगे वो बताती हैं कि ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, वो कहती हैं डॉक्टर से, कहती हैं कि ऐसा लगता है कि ट्रिकी के शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रह गई है, बिल्कुल भी दम, बिल्कुल भी शक्ति नहीं रह गई है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, अब इसकी मालकिन कहती है कि मुझे लगा कि ट्रिकी कुपोषण का शिकार हो गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ढीला ढाला रहता है, बहुत ज्यादा आप ऐसे कह सकते हो सुस्त रहता है, इसलिए मुझे लगा कि जो ये मेरा डॉग है ना ये कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, और इसी के लिए मैं इस ट्रिकी को ना खाने के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दे रही थी। लिटिल एक्स्ट्राज मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दे रही थी मैं खाने के साथ साथ, ताकि जो ये ट्रिकी है ना वो बिल्डअप हो सके, मतलब उसके शरीर में ताकत आ सके, इसके लिए मैं इसको खाने के साथ कुछ और भी देती थी। खाने के साथ क्या क्या देती थी मैं, सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल, मैं माल्ट और कॉड लीवर ऑयल देती थी। अब माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल आप देख सकते हो ये है, अब माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल देने से क्या होता है, विटामिन ए और विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है, जिससे हमारे बोन्स हमारे मसल्स क्या होते हैं स्ट्रांग होते हैं। तो जो मिसेज पंपरे है ना वो अपने डॉग को थोड़ा शक्तिशाली बनाने के लिए माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल दिया करती थी, और इसके साथ साथ अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी देती थी वो रात में, टू मेक हिम स्लिप, ताकि वो ट्रिकी जो है वो आराम से सो सके। नथिंग मच, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं देती, सचमुच इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं देती। ये सारी बातें मिसेस पंपरे उस डॉक्टर मिस्टर हैरियट को बताती हैं। अब आगे देखो क्या होता है, मिस्टर हैरियट पूछते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एस आई टोल्ड यू। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मिसेस पंपरे जैसा मैंने आपको बताया था कि आप ट्रिकी के जो मीठी चीजें हैं, मतलब जो ट्रिकी मीठी चीजें खाता है उसको आप बंद कर दो, तो क्या आपने इसे मीठी चीजें देना बंद किया। अब मिसेस पंफरे कहती हैं कि ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। मिसेस पंफरे कहती हैं आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़े समय के लिए तो ट्रिकी को मीठा देना बंद कर दिया था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन ट्रिकी मुझे बहुत ज्यादा कमजोर लगने लगा था, इसलिए मुझे इस पर क्या आ गई, तरस आ गई। रिलेंट आना का मतलब इस पर मुझे तरस आ गई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो यहां पर बताती हैं मिसेस पंपरे कि ये जो मेरा डॉग है ट्रिकी ना वो क्रीम केक्स खाना पसंद करता है और चॉकलेट्स खाना पसंद करता है। आई कांट बी एबल टू रिफ्यूज हिम, मैं ट्रिकी को मना नहीं कर पाती, जो भी कुछ ट्रिकी मुझसे मांगता है मैं उसे खिला देती हूं और मैं उसे मना नहीं कर पाती हूं, ठीक है। आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने उस ट्रिकी को, मैंने उस छोटे से
कुत्ते को एक बार फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, मतलब जो ट्रिकी था ना, यही इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। जो ट्रिकी की एकमात्र गलत बात थी ना, वो ये कि ट्रिकी बहुत ज्यादा क्या था, लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। ट्रिकी खाने को तो मना ही नहीं कर पाता था, कोई भी उसे कुछ भी खाने को देता था वो खा लेता था, वो खाना मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। अब यहां पर बताया गया है कि ये जो ट्रिकी है ना, वो किसी भी घंटे खाना खा सकता था, चाहे दिन में चाहे रात में, किसी भी टाइम अगर उसे खाना दिया जाता था तो वो उसे डाइजेस्ट कर लेता था, पचा लेता था। मतलब इनडायरेक्टली हम कहें तो ये जो ट्रिकी है ना, वो इतना ज्यादा खाना खाते खाते आप ऐसे कह सकते हो हैबिचुअल हो गया था कि दिन में या रात में आप कभी भी इसे खाना दो मस्त से खाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरे हैड नॉट मेंशन्ड। और मिस्टर हैरियट उन सारी बातों को सोचते हैं जो मिसेस पंपरे ने डॉक्टर को नहीं बताया था, जो मिसेस पंपरे ने मिस्टर हैरियट से नहीं बताया था, वो सारी चीजें भी ये डॉक्टर समझ जाता है। ठीक है, अब आगे मिस्टर हैरियट क्या पूछते हैं, पूछते हैं कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। वो मिसेस पंपरे से पूछते हैं कि क्या आप ट्रिकी को रेगुलर एक्सरसाइज, जो रेगुलर कसरत है, वो करवा रही हो कि नहीं करवा रही हो। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। मिसेस पंपरे कहती हैं कि ये जो ट्रिकी है ना, थोड़ा सा चल फिर लेता है मेरे साथ, जैसे कि अभी हम दोनों चलने ही निकले हैं, थोड़ा सा वॉक करने निकले हैं, तो बस लिटिल वॉक ही कर पाता है ये ट्रिकी। बट हॉडगिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद द लंबागो। अब देखो यहां पर बताया गया है, मिसेस पंपरे ने पहली लाइन में कहा कि आप देख रहे हो हम दोनों वॉक करने निकले हैं, हम दोनों टहलने निकले हैं, केवल इस समय इतनी ही एक्सरसाइज में करवा पा रही हूं इसका। क्यों? क्योंकि जो हॉडगिन है, हॉडगिन कौन है, गार्डनर है, एक माली है, मिसेस पंपरे के घर में माली है, जो इस ट्रिकी का, जो इस डॉग का एक्सरसाइज करवाता था, अब वो क्यों नहीं आ रहा है। हैज बीन डाउन विद लंबागो, इस माली को क्या हो गया है, लंबागो हो गया है। लंबागो का मतलब क्या होता है, आप देख पा रहे हो शरीर का ये जो हिस्सा है, ये वाला जहां पर लिखा है लंबर, ठीक है, यहां पर दर्द होना, इसी को कहते हैं लंबागो। लंबागो आप कह सकते हो जो हमारी पीठ का जो नीचे वाला हिस्सा है, कमर, कमर दर्द करने को लंबागो कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो माली था इनका, उसकी कमर दर्द कर रही थी। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, जिसकी वजह से जो ट्रिकी था, ये जो एक्सरसाइज करता था रिंग थ्रोइंग की, रिंग थ्रोइंग कैसी एक्सरसाइज होती है, आप ऐसे कह सकते हो कि एक इंसान रिंग, एक गोलाकार सी कोई चीज होती है, उसको फेंकता है और ट्रिकी उसको क्या करता है, तुरंत जंप करके पकड़ता है, यही वाली एक्सरसाइज करवाता था वो गार्डनर। लेकिन जो, जबकि गार्डनर बीमार पड़ गया है, इसलिए इस ट्रिकी की कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। I tried to sound sever. Now I really mean this. अब डॉक्टर, ये जो मिस्टर हैरियट हैं, उन्होंने थोड़ी सी कड़े शब्दों में कहा, क्या कहा, Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब इस मिस्टर हैरियट ने, इस डॉक्टर ने कहा कि अब मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं और बहुत सीरियसली कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि if you don't cut his food right down, अगर आपने इसका खाना अभी कम नहीं किया, एंड गेव हिम मोर एक्सरसाइज, और अगर आपने इसे और एक्सरसाइज नहीं करवाना स्टार्ट किया, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, ये सचमुच बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट, आपको अपना दिल जो है वो कड़ा करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और ट्रिकी को एक बहुत ही सख्त खाना, ऐसे कह सकते हो आप कि एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट खिलानी पड़ेगी, जिससे जो ट्रिकी है वो काफी पतला हो सके, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसे खिलाती रहेंगी तो ये दिन ब दिन और मोटा होता जाएगा और क्या पड़ जाएगा, आखिरकार बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, और इसी के लिए डॉक्टर मिसेस पंपरे को समझाता है कि आप अपनी दिल थोड़ा मजबूत करिए और इसे वही खाना दीजिए जो इसके लिए हेल्दी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। मिसेस पंपरे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंपरे अपना हाथ क्या करती हैं, रंग करती हैं। रंग का मतलब, आप देख पा रहे हो इस इंसान ने अपने हाथों को रंग किया हुआ है,
ऐसे हाथ में हाथ डालकर बैठना, इसी को कहते हैं क्या, रंग करना। तो मिसेस पंफरे ने अपने हाथों को रंग कर लिया और कहा उन्होंने कि ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। मिसेस पंफरे कहती हैं कि मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप सही हो, मुझे इसे कम खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही कठिन है मेरे लिए क्योंकि मैं ट्रिकी को कुछ भी मना नहीं कर पाती हूं, बहुत ही ज्यादा कठिन है मेरे लिए, सो वेरी डिफिकल्ट है ये मेरे लिए कि ट्रिकी कुछ मांगे और मैं इसे दू ना। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब मिसेस पंफरे क्या कर दी, वहां से निकल पड़ी, वहां से चल दिया उन्होंने। सेट ऑफ का मतलब वहां से उस मिस्टर हैरियट से वो खड़े होकर बातें कर रही थी ना, तो यहां से मिसेस पंफरे चल दी वो अपने घर की तरफ। हेड डाउन, उनका सर नीचे था, अलोंग द रोड, वो रोड पर चले जा रही थी और उनका सर नीचे था, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ऐसा लग रहा था कि मिसेस पंफरे ने निश्चित कर लिया है, उन्होंने डिटरमाइन कर लिया है कि ये जो इस कुत्ते का नया रूटीन है, रिजाइन का मतलब क्या होता है, जो नया तरीका है कि इसको खाना कम देना है, इसकी एक्सरसाइज करवानी है, ये जो तरीका है ये जल्द ही वो अपनाने वाली थी। ऐसा देख के उनको लग रहा था कि मिसेस पंफरे अब समझ चुकी थी और वो घर जाकर इस ट्रिकी को अब खाना कम करेंगी इसका और इसकी एक्सरसाइज ज्यादा करेंगी। आगे देखते हैं क्या होता है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं उन्हें आगे बढ़ता हुआ देख रहा था और मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, मेरा जो कंसर्न, मुझे जो चिंता हो रही थी वो बढ़ती जा रही थी क्योंकि ट्रिकी सचमुच बहुत ज्यादा मोटा हो गया था और मुझे पता था कि ये ऐसे ही खाता रहा तो बीमार पड़ जाएगा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट। जो ट्रिकी था, ये जो स्मॉल डॉग था ना, वॉज टॉटरिंग, वो लड़खड़ा के चल रहा था, अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, ये जो ऊनी, ट्विड का मतलब क्या होता है, वूलन क्लोथ, ये जो ऊनी कोट पहना था ना इसने, इस ट्रिकी ने, इस कोट को पहनकर ये लड़खड़ाते हुए रोड पर चल रहा था और यही चीज ये डॉक्टर देख रहा था। ठीक है, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। ऑथर बताता है कि जो ये डॉग है, ये जो ट्रिकी है ना, वो ऐसा मामूली कुत्ता नहीं है, इसकी एक पूरी वार्डरोब, पूरी अलमारी भरी पड़ी है कोट्स से, इसके अलग अलग कोट्स खरीदा गया है इसके लिए, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए इसका अलग कोट है, रेन मौसम के लिए मतलब बरसात के मौसम के लिए अलग कोट है। दैट मींस इससे हमें, इस लाइन से हमें क्या पता चलता है, इस वाली लाइन से, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट ड्रेस। हमें इस लाइन से यह पता चलता है कि जो मिसेस पंफरे थी, जो इस कुत्ते की मालकिन थी, वो बहुत ज्यादा अमीर थी क्योंकि उसने हर सुख सुविधा देके रखा था अपने कुत्ते को। ठीक है, ही स्ट्रगल्ड ऑन। ये जो आगे स्टोरी बढ़ती है, तो डॉक्टर वहीं पर खड़ा होके देख रहा था कि ये जो डॉग है ट्रिकी ना, वो बहुत ही मुश्किल से आगे चल पा रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है कुत्ते का पट्टा, ड्रूपिंग का मतलब होता है ऐसे ढीले ढाले तरीके से, जैसे होता है ना, हम लोग खाना वाना नहीं खाए रहते तो हमारे शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, हमारी कमर झुक जाती है, मतलब बहुत ढीला होके चलना, तो सेम ऐसे ही उस डॉग की कंडीशन हो रही थी। वो डॉग बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे खींचना पड़ रहा है, उसके पट्टे उसके गले में लगे हुए थे और उसका पट्टा पकड़ के उसे खींचना पड़ रहा था। I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब Mr. Harriet सोचते हैं कि it would not be long, मतलब कि वो दिन दूर नहीं है, before I heard from Mrs. Pumphrey, कि मुझे Mrs. Pumphrey call करेंगी और मुझे उनसे ये सुनने को मिलेगा कि जो ट्रिकी है वो बीमार पड़ गया है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही है। Now, आगे हम नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। The expected call came within a few days, और जैसा कि ये Mr. Harriet
हैरियट जो डॉक्टर हैं वो जैसा कि उम्मीद कर रहे थे कि मिसेस पंफरे उन्हें जल्द ही कॉल कर कर कि ये बोलेंगी कि उनका कुत्ता बीमार पड़ गया है, तो कॉल आता है। मिसेस पंफरे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफरे बहुत ज्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रेफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, ट्रिकी यहां तक कि उसके जो पसंदीदा खाने थे ना, जो पसंदीदा डिशेस थे उसको भी खाने से ट्रिकी मना कर दे रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके अलावा ट्रिकी को बार बार उल्टियां हो रही थी। बाउट्स ऑफ वोमिटिंग का मतलब, बाउट्स का मतलब होता है रेगुलरली, बार बार उल्टियां हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, जो ट्रिकी था ना वो अपना पूरा समय एक कपड़ा जो उसे मिला था सोने के लिए, जो बिछा के सोने के लिए मिला था ना, उसी पर वो लेटा रहता था और केवल क्या करता था, पैंटिंग, केवल हाफता रहता था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, ना ट्रिकी कहीं बाहर घूमना जाना चाहता था, ना ही ट्रिकी कुछ करना चाहता था, ठीक है, ना ही उसका कुछ करने का मन कर रहा था, ना ही उसका टहलने का मन कर रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब ये मिस्टर हैरियट ने अपना प्लान एडवांस में बना के रखा था कि वो मिसेस पंफरे के यहां जाएंगी तो वो क्या कहेंगे उनसे, तो इस बात का सोच उन्होंने पहले ही लिया था। क्या सोचा था उन्होंने, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, केवल यही एक तरीका है ट्रिकी को बचाने का, और वो क्या है कि ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए घर से दूर रखा जाए, ठीक है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फॉर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और इसी के लिए मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफरे को एक सजेशन दिया, एक सलाह दिया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा लगभग लगभग फॉर्टनाइट के लिए, लगभग लगभग दो हफ्तों के लिए। फॉर्टनाइट का मतलब क्या होता है, अ टाइम ऑफ टू वीक्स, दो हफ्तों के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि वो मेरे देखरेख में रह सके। ये सलाह मिसेस पंफरे को डॉक्टर ने दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्विंड, सी वॉज स्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, जो ये बेचारी मालकिन थी ना ट्रिकी की, वो बिल्कुल एकदम ऐसे कह सकते हो ना, उनको चक्कर सा आ गया कि जब उन्हें पता चला कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ट्रिकी उनसे दूर रहेगा, तो ये बात सुन के इनकी मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। क्यों परेशान हो जाती हैं, शी वॉज श्योर, क्योंकि इनकी मालकिन को पता था कि ही वुड पाइन, कि जो इनका कुत्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगेगा, ऐसा कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा याद करेगा अपनी मालकिन को और आखिरकार मर जाएगा। If he did not see her every day, अगर इनका कुत्ता ट्रिकी अपने मालकिन को रोज नहीं देख पाएगा तो वो अपनी मालकिन को याद करेगा और उनकी याद में मर जाएगा, यही चिंता उनकी मालकिन को था, ठीक है। आगे देखते हैं, बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन ये जो मिस्टर हैरियट थे ना उन्होंने निश्चित कर लिया था, फर्म लाइन का मतलब उन्होंने अपना मन बना लिया था, और क्या कहा उन्होंने, कहा कि ट्रिकी वॉज वेरी इल, उन्होंने उसकी मालकिन से कहा कि ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और केवल यही एक तरीका है ट्रिकी को बचाने का कि मैं इसे हॉस्पिटलाइज कर दूं। इनफैक्ट अब मिस्टर हैरियट आगे बताते हैं कि यहां तक कि आई थॉट, मैंने ये सोचा कि इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मिसेस पंफरे को वो बताते हैं कि मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं बिना टाइम वेस्ट किए ट्रिकी को तुरंत हॉस्पिटलाइज कर सकूं, और इतना कहते ही उस मिस्टर हैरियट ने क्या किया, मिस्टर हैरियट ने फॉलोड बाय मिसेस पंफरेज वेलिंग, मिसेस पंफरे रो रही थी, मिसेस पंफरे ट्रिकी को जाने नहीं दे रही थी, फिर भी उस डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या किया, मास्ड आउट, ट्रिकी को अपनी गोद में लिया और उसको गोद में लेके बाहर अपनी कार के पास चला गया, और जब कार के पास लेके जा रहा था ना डॉक्टर उस ट्रिकी को, तो उसने ट्रिकी को एक चद्दर में लपेट लिया था, ढक लिया था, ठीक है। आगे देख,
द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेट्स रस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड हिज नाइट बेड फेब्रिक क्वेश्चंस टॉयस एंड रबर रिंग्स ब्रेकफास्ट बाउल लंच बाउल सपर बाउल. अब जैसे ही ये जो डॉक्टर ट्रिकी को अपने हाथ में ले जाने लगा हॉस्पिटल में, तो क्या हुआ, जितने भी नौकर चाकर थे वो क्या हो गए, राउज्ड. राउज्ड का मतलब दौड़ भाग करने लगे, वो घर के अंदर बाहर करने लगे. और क्यों अंदर बाहर कर रहे थे, वो ट्रिकी की जो दिन के सोने का बेड था, जो रात में सोने का बेड था, जो ट्रिकी का पसंदीदा चादर था, जो ट्रिकी के पसंदीदा खिलौने थे, जो उसके रबर रिंग्स थे. रबर रिंग्स का मतलब क्या होता है, एक सर्कुलर रबड़ का रिंग होता है जिससे कुत्ते खेलते हैं वो, और उसके ट्रिकी का जो नाश्ता करने की जो कटोरी थी, ट्रिकी के जो लंच करने की कटोरी थी, ट्रिकी का जो डिनर, सफर का मतलब क्या होता है डिनर, जो डिनर करने की कटोरी थी, ये सारी चीजें लेकर उसके घर के नौकर चाकर ट्रिकी की तरफ दौड़ने लगे, मतलब उस डॉक्टर के कार की तरफ दौड़ने लगे ताकि वो ये सारा सामान ट्रिकी के साथ रख सकें. रियलाइजिंग दैट माय कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, जैसे ही मिस्टर हैरियट को ये महसूस हुआ कि इतने सारे सामान उसके कार में नहीं आ पाएगा, तो डॉक्टर ने, मिस्टर हैरियट ने कार चलाना शुरू कर दिया. मतलब वो लोग दौड़ रहे थे सामान लेकर, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं सुना, वो अपने कार में ट्रिकी को रखता है और सीधा कार स्टार्ट करके जाने लगता है. जैसे ही इसने कार स्टार्ट किया, मिसेस पंफरे जो थी ना, विथ अ डिस्पेयरिंग क्राय, वो रोते रोते वहां पर आती हैं, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. वो उस गाड़ी के, जिस गाड़ी में ट्रिकी को ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी के विंडो से ट्रिकी के पहनने वाले कुछ कोट्स को उस विंडो में से फेंक दिया अंदर. आई लुक्ड इन द मिरर, और उसके बाद डॉक्टर जो है वो गाड़ी चलाकर आगे बढ़ जाता है. ठीक है, आई लुक्ड इन द मिरर, डॉक्टर बगल के शीशे से देखता है कि जो मिसेस पंफरे के घर वाले हैं, जो वहां के नौकर चाकर हैं, उनको वो देखता है, और वो तब तक देखता है बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जब तक वो उस घर के किनारे से मुड़ नहीं गया ना रोड की तरफ, तब तक डॉक्टर बगल वाले शीशे से देखता रहा. वो देखा उसने कि एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, कि जो घर के सभी लोग थे ना, वो उनके आंखों में आंसू आ गया था जब ट्रिकी उन्हें छोड़कर जा रहा था. आउट ऑन द रोड, जैसे ही मैं रोड पर आया, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड. जैसे ही रोड पर आया वो डॉक्टर, तो उसने एक झलक उस बेचारे पैथेटिक का मतलब कह सकते हो, ये जो कुत्ता था ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, बेचारा, मतलब उस पे तरस आ रही थी, तो पैथेटिक, ठीक है, समझ में आया पैथेटिक का मतलब. तो डॉक्टर ने एक झलक उस कुत्ते को देखा, उस छोटे से जानवर को देखा, जो कि क्या कर रहा था, गैस्पिंग, जो कि हाफ रहा था, डॉक्टर के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और हाफ रहा था. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. उस मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के सर को सहलाया और ट्रिकी ने बहुत ही ज्यादा बहादुरी वाला काम किया कि जैसे ही डॉक्टर ने उसके सर को सहलाया, ट्रिकी अपना पूंछ क्या करने लगा, हिलाने लगा. वैग हिज टेल का मतलब अपना पूंछ हिलाने लगा. अब जब ट्रिकी इतना ज्यादा मोटा हो गया था, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, तो भाई उसने पूंछ हिला दिया, मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया. ठीक है, अब डॉक्टर कहता है कि बेचारी वो औरत, मिसेस पंफरे को वो कहते हैं कि बेचारी औरत, अब उसका क्या हाल होगा, क्योंकि उसका जो फेवरेट डॉग था, उसको तो ये मिस्टर हैरियट हॉस्पिटलाइज करने ले जा रहे थे. अब उसके बाद मिस्टर हैरियट कहते हैं, उस कुत्ते की तरफ देख के कहते हैं कि यू हैव नॉट अ किक इन यू, कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी किक, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रह गई है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा, मैं तुम्हें इलाज से ठीक कर दूंगा, ये मुझे पता है. और इतना कहते हुए मिस्टर हैरियट अपने कार में बिठाकर ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं. आगे क्या होता है, हम ये सारी चीजें अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अगर चैप्टर समझ में आया यार, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना. मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.